इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे ट्रिक से ठीक है तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको वन से लेकर के टेन तक का क्यूब लर्न रखना होगा ठीक है वन से लेकर टेन तक कम से कम याद होना जरूरी है ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं कि किस जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो उसके पीछे से तीन डिजिट के बाद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसे दो पार्ट में बांट देंगे ठीक है तो फर्स्ट पार्ट का जो नंबर है उसको देखेंगे कि ये किस दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है तो हम देखेंगे कि नाइन जो है टू के क्यूब और थ्री क्यूब के बीच में आ रहा है यहाँ पर नाइन आएगा एट और ट्वेंटी सेवन के बीच में नाइन आता है तो ये टू के क्यूब और थ्री के क्यूब के बीच में आ रहा है ठीक है तो हम इसके छोटा वाला नंबर ले लेंगे टू यहाँ पर हम टू लिख देंगे ठीक है अब इसका दूसरे जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट हम लोग लेंगे यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं वन है तो हम देखेंगे किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट वन है तो हम देख रहे हैं वन के क्यूब का यूनिट डिजिट वन है तो हम यहाँ पर वन ले लेंगे तो ये नंबर जो होगा अब टू वन ट्वेंटी वन का क्यूब होगा ठीक है देखते हैं अब ये नंबर तो इससे फिर से हम तीन डिजिट से के बाद एक लाइन ड्रॉ करके इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिए अब हम देखेंगे 148 किस दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है ठीक है तो 148 हम देख रहे हैं कि फाइव के क्यूब और सिक्स के क्यूब के बीच में आ रहा है यहाँ पर वन आएगा तो हम इसमें छोटा वाला नंबर फाइव ले लेंगे ठीक है अब हम देखेंगे इसका यूनिट प्लेस सेवन है तो सेवन किसके किस नंबर के किस यूनिट प्लेस में है तो सेवन थ्री के क्यूब के यूनिट प्लेस में ट्वेंटी सेवन के यूनिट प्लेस में सेवन है ठीक है तो हम यहाँ पर थ्री ले लेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टी थ्री का क्यूब ठीक है अब ये क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर से हम इसके तीन डिजिट से एक लाइन ड्रॉ कर लिए और हम देखेंगे फोर फिफ्टी सिक्स किस दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है तो फोर फिफ्टी सिक्स जो है वो थ्री के सेवन के क्यूब और एट के क्यूब के बीच में आ रहा है देखिए सेवन फोर्टी थ्री और फाइव टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के बीच में आ रहा है ठीक है तो फाइव और सेवन और एट के बीच क्यूब के बीच में आ रहा है तो हम छोटा वाला नंबर सेवन ले लेंगे अब हम देखेंगे इसका यूनिट प्लेस थ्री है तो किस नंबर के क्यूब का यूनिट प्लेस थ्री है सेवन का ठीक है तो सेवन मतलब ये नंबर सेवेंटी सेवन का क्यूब होगा ठीक है अब ये नंबर लेते हैं इसके फिर से हम यहाँ से पीछे से तीन डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ कर लिए टू सिक्सटी टू 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 सिक्सटी टू जो है वो हम देखेंगे किस दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है तो टू हंड्रेड सिक्सटी टू जो है वो सिक्स के क्यूब और सेवन के क्यूब के बीच में आ रहा है ठीक है यहाँ पर टू हंड्रेड सिक्सटीन और थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री के बीच में आएगा टू सिक्सटी टू तो ये छोटा नंबर हम लोग सिक्स ले लेंगे ठीक है और आते हैं इसका यूनिट प्लेस फ़ोर है तो किस नंबर का क्यूब का यूनिट प्लेस फ़ोर है तो फोर का ठीक है तो यहाँ पर फोर ले लिए मतलब ये जो नंबर है वो सिक्सटी फोर का क्यूब होगा ठीक है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन देखते हैं इसके भी पीछे से तीन डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ करके इसको दो पार्ट में बांट दिए अब हम देखेंगे एट हंड्रेड थर्टी किस का किस नंबर के बीच में आ रहा है तो एट हंड्रेड थर्टी जो है एट हंड्रेड थर्टी हम देख रहे हैं नाइन हंड्रेड नाइन का क्यूब और टेन के क्यूब के बीच में आ रहा है ठीक है तो हम इसका छोटा वाला नंबर नाइन ले लेंगे अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका यूनिट प्लस फोर है किस नंबर का यूनिट प्लस फोर है किस किस नंबर की क्यूब का यूनिट प्लस फोर है तो फोर का फोर का क्यूब का यूनिट प्लेस जो है फोर आ रहा है तो हम इसका फोर ले लेंगे मतलब ये जो नंबर है वो नाइन्टी फोर का क्यूब होगा ठीक है